नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत कालरा, चेस्ट स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जो सांस की बीमारियों की वजह से तरह तरह के इन्हेलर का इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं, परंतु अक्सर शिकायत करते हैं कि इन्हेलर लेने के बावजूद भी उनको अच्छी तरह से आराम नहीं आ रहा, उनको फ़ायदा नहीं होता। उसके बहुत सारे कारण होते हैं, आज उसी पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले, इन्हेलर एस्थमा या COPD में काम करते हैं या सांस की वो बीमारियां जो फेफड़ों से संबंधित होती हैं उन्हीं में इन्हेलर काम करते हैं, क्योंकि सांस लेने में और भी वजह से दिक्कत होती है, जैसे हार्ट की प्रॉब्लम्स होती हैं, अनीमिया की प्रॉब्लम होती है, खून जहाँ पे कम होता है, एंग्जाइटी की प्रॉब्लम रहती है, या फेफड़ों की और प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे इंटरस्टीशियल लंग डिजीज होती है, उसमें इन्हेलर काम नहीं करते हैं। अगर आप इन बीमारियों में इन्हेलर का इस्तेमाल करते हैं तो आपको ठीक से आराम नहीं आएगा। इसके बाद, इन्हेलर लेने की टेक्निक बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि इन्हेलर अपने आप में कोई दवाई नहीं होता है, इन्हेलर के अंदर दवाई होती है। जो आप अच्छे टेक्निक से अगर लेंगे, अच्छे तरीके से लेंगे, तो दवाई अच्छी मात्रा में, अच्छी डोज में आपके लंग्स के अंदर जाएगी, आपको हेल्प करेगी, आपको फ़ायदा पहुँचाएगी। अगर वो टेक्निक अच्छी नहीं है, तरीका अच्छा नहीं है, तो आपको फ़ायदा नहीं होगा। इसके बाद, एस्थमा या COPD की अगर सीवियरिटी बढ़ जाती है, कभी मौसम चेंज होता है या कोई इन्फेक्शन होती है, तो वही वाली डोज जो आप पहले ले रहे हो तो वो काम नहीं करेगी। आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, या तो वो इन्हेलर की डोज को बढ़ाएंगे या आपको कोई एंटीबायोटिक देंगे ताकि आपको आराम आए। इन्हेलर्स में फिक्स्ड डोजेज होती हैं, 120 डोजेज होती हैं, 120 डोजेज होती हैं, परंतु ये देखा जाता है कि 120 के बाद भी लोग उसको इस्तेमाल करते रहते हैं, उसके अंदर दवाई नहीं होती है, उसको इस्तेमाल करते रहते हैं, क्योंकि 120 के बाद भी कुछ इन्हेलर्स में आप दबाने पे, प्रेशर करने पे थोड़ी सी हवा निकलती है, थोड़ा सा स्प्रे निकलता है, पेशेंट्स को ये लगता है कि उसके अंदर दवाई है, वो उसको इस्तेमाल करते रहते हैं, उनको फ़ायदा नहीं होता है। इसलिए आजकल बहुत सारी कंपनीज ने डोज काउंटर उस पर लगा दिए हैं, जैसे जैसे आप दवाई का यूज़ करते हो, जैसे जैसे डोज कम होती है उस पर आना शुरू हो जाता है, 120, 100 आ जाएगा, फिर 80 आ जाएगा, जैसे जैसे आप डोज यूज़ करोगे और लास्ट में 0 आ जाता है, उसके बाद आपको उस इन्हेलर को यूज़ नहीं करना है, आपको उसको फेंक देना होता है। इसके अलावा बहुत ही कम केसेस में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होता है, कई बार अच्छी तरह से स्प्रे नहीं बनता, या थोड़ा सा इन्हेलर टाइट होता है, या आपका जो DPI होता है, ड्राई पाउडर इन्हेलर होता है, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो ये बहुत ही कम केसेस में होता है, ये आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं। इन्हेलर्स में तरह तरह की दवाइयाँ आती हैं, सब इन्हेलर एक जैसे नहीं होते हैं, आपके डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि पेशेंट को कौन सी दवाई की ज़रूरत है, कौन से इन्हेलर की ज़रूरत है। आप इन्हेलर लेने से पहले ये चेक करिए कि आपके डॉक्टर ने जो इन्हेलर दिया है, आप वही वाला इन्हेलर ले रहे हो या नहीं ले रहे, उसी डोज में ले रहे हो जो आपके डॉक्टर ने दिया है। अगर ये सब होने के बावजूद भी आपको आराम नहीं आता, तो आप अपने डॉक्टर से सलाह कीजिए। इसलिए डॉक्टर्स अपने सभी मरीजों को एडवाइस करते हैं, सलाह देते हैं कि अगर आप इन्हेलर का इस्तेमाल करते हो तो हमेशा हर विजिट पे आपको अपने इन्हेलर को साथ लाना होता है। आपको अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए कि मैं इन्हेलर का कैसे इस्तेमाल करता हूँ, कैसे यूज़ करता हूँ, कैसे लेता हूँ, कौन सा इन्हेलर ले रहा हूँ। अगर ये सारी आप चीज़ें करते हो तो आपको इन्हेलर ज़रूर फ़ायदा देंगे। थैंक यू।